इस क्लिप में हम पोर्ट फॉरवर्डिंग के बारे में पढ़ेंगे। पिछले पोर्ट में हमने स्टैटिक नेट के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने वन टू वन आईपी को मैप किया था अपने सिस्टम के साथ, और वहाँ पर जो भी सर्विसेज थी वो सब के सब जो है वो अलाउ होगी। जबकि पोर्ट फॉरवर्डिंग में इस तरह नहीं होता। जैसे कि आपको पता है कि एक आईपी के गेस्ट हमें तकरीबन 65,000 के करीब जो है वो पोर्ट्स मिलती हैं, उनको हम मुख्तलिफ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उनमें यह है कि आप एक आईपी को इस्तेमाल करते हुए एक पोर्ट को आप आरडीपी के लिए किसी एक सिस्टम के लिए ले रखते हैं, जबकि अपनी वेब पब्लिशिंग के लिए आप किसी उसी आईपी को आप दूसरे सिस्टम के लिए रख लें, एंड सो ऑन। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे पास फोर्टिगेट पर एक आईपी एड्रेस होगी। यूजुअली इस बेस्ट के आप आईएसपी से एक लें, ठीक है, लेकिन आपके पास अगर एक्सटर्नल इंटरफेस पर कोई पब्लिक आईपी एड्रेस आ रही है, जैसे पीपीओई वगैरह आपने कॉन्फ़िगर किया हुआ है या स्टैटिक आईपी आपको मिली है, तो उसके अगेंस्ट आप एक सर्विस को जो है वो हम पब्लिश कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल उस जो सर्विस हम मेंशन करेंगे उस आईपी के अगेंस्ट, सिर्फ वही सर्विस जो है अनेबल होगी, ना कि सारी की सारी। जैसे इस सिस्टम पर मैंने पोर्ट 80 को भी ओपन किया हुआ है और पोर्ट 389 जो कि आरडीपी की पोर्ट है वो उसको भी लेकिन अगर मैं जब पब्लिश करूँगा तो सिर्फ पोर्ट 80 की पब्लिश होगी, जबकि 389 जो है वो पब्लिश नहीं होगी। तो आइए अपनी फोर्टिनेट पर जो है जाते हैं। तो इस मकसद के लिए अगर मैं आता हूँ अपनी वर्चुअल आईपी पर, और हम अपनी प्रीवियस जो हमारी लैब थी उसी को हम जो है मॉडिफाई करते हैं, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ पोर्ट फॉरवर्डिंग पीएफ मैं इसका नाम लिख लेता हूँ। इंटरफेस इस वक्त होगा मेरा वैन, और कहाँ पर आपने करनी है, फॉर एग्जांपल क्या आईपी एड्रेस होगा। आईपी एड्रेस मेरा ये है, जबकि मतलब एक्सटर्नल आईपी एड्रेस मेरी फायरवॉल का ये है, जबकि मैप आईपी एड्रेस मेरा जो है वो जो कि सिस्टम का होगा जहाँ पे आपने पोर्ट 80 या आपका वेब सर्वर जो है वो चल रहा होगा उसकी आईपी एड्रेस जो कि 0.21 है। तो इसके अलावा हम करेंगे पोर्ट फॉरवर्डिंग में आपने क्या करना है, आपने टीसीपी या यूडीपी जो भी आपकी पोर्ट है वो एक्सटर्नल पोर्ट, फॉर एग्जांपल आप कंसीडर करें कि पोर्ट 80 या लोग 8080 या ऐसा कुछ रखते हैं, जबकि मैक पोर्ट जो है वो भी हम रख रहे हैं 80, ठीक है। यहाँ पर लूप भी क्रिएट हो सकता है, ठीक है, लेकिन लेट्स ट्राई। मतलब अगर कोई मेरी आईपी के एड्रेस के साथ बाहर से 80 लगाए, मतलब जो कि डिफ़ॉल्ट है उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, या अगर आपने 80 लिखी हुई है यहाँ पर अपने एक्सटर्नल पोर्ट पर, तो फिर इंटरनल आकर तो इंटरनल ही जो है हमारी फोर्टिनेट वो उसको पोर्ट 80 पे जाकर ट्रांसलेट करेगी। हमारी ये सिचुएशन नहीं है, तो मैं इसको निकालता हूँ, ठीक है, और ओके करते हैं। अभी हमने जाना है हमारी पॉलिसी पर, पॉलिसी हमने क्रिएट करते हैं, एक क्रिएट न्यू पीएफ इसका नाम देता हूँ पोर्ट फॉरवर्डिंग टू वेब, जैसे आप कंसीडर करें कि आपने एक वेब सर्वर है। इंटर आउटगोइंग इनकमिंग इंटरफेस को अगर वैन होगा क्योंकि ट्रैफिक बाहर से आ रही है, इनकम इंटरफेस क्या होगा वो आपका लैन भी हो सकता है, डीएमजी भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल हमारा इस सिचुएशन में लैन है, आपका डीएमजी भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने कैसे क्या कर रहे हैं, क्या पब्लिश कर रहे हैं या कैसे आपका नेटवर्क डिज़ाइन है। सोर्स जो होगा वो आप रखें ऑल, डेस्टिनेशन जो है वो हम रखेंगे अपना पीएफ या पोर्ट फॉरवर्डिंग, और इसके अलावा जो है स्केड्यूल ऑलवेज और सर्विस यहाँ पे हमने मेंशन करनी है एचटीटीपी, ठीक है, एचटीटीपी हमने मेंशन कर दी, इसको हमने क्लोज कर दिया। अब जो है मैं स्क्रीन को बड़ा करता हूँ, नेट की जो है ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्योंकि पब्लिक से प्राइवेट पे आ रही है तो नेट आप कर लें। और बाकी जो आपकी सिक्योरिटी प्रोफाइल है, ठीक है, इसको बाद में पढ़ेंगे, ये अगर आपने इनेबल करनी है, ऑफकोर्स आपने इनेबल करनी है, ये डीएनएस फिल्टर होंगे, एंटीवायरस वेब फिल्टर जो भी है वो आपने करने हैं, आईपीएस वगैरह वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और हम इसको करते हैं ओके, ठीक है। पहले मैं अपनी लोकल होस्ट को देख लेता हूँ जहाँ पर मैंने अपनी वेबसाइट को पब्लिश किया हुआ है, यहाँ से ये काम कर रहा है, लेकिन इसकी आईपी एड्रेस है 192.168.0.21, ठीक है। हमने बाहर से क्या करना है, हमने फोर्टीनेट की जो है उसकी आईपी एड्रेस को हमने एक्सेस करना है, यानी कि मैं यहाँ पे बैठा हूँ, कंसीडर करें, ठीक है, रियल वर्ल्ड में, और यहाँ से मैं ऐसा आ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन टेक्निकली मैं जो हूँ मतलब अपने उसके किसी और नेटवर्क से आ रहा हूँ, लेकिन रियल वर्ल्ड में यहाँ से कोई मतलब इंटरनेट से कोई बंदा आ रहा होगा, ठीक है आपकी।
तो मैं करता हूँ और फोर्टिनेट का जो है एक्सटर्नल आईपी एड्रेस डालते हैं लेट मी चेक दैट व्हाट्स द इशू इशू जो है वो ये था कि मैं अपना आईपी एड्रेस जो है वो गलत डाल रहा था मैं 18 डाल रहा था जब ये देखिए मैं 18 डाल रहा था जबकि ये है 192.168.1.200 ठीक है तो लेकिन साथ साथ में अपने ये ख्याल भी रखना है कि आपकी जो आउटगोइंग इंटरफेस है फॉर एग्जांपल आपका वैन उस पर क्या क्या चीज़ सर्विसेज अनेबल हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने पिंग अनेबल किया है अगर मैं यहाँ पे करता हूँ एडिट करके यहाँ पे मैं करता हूँ अपनी आपकी HTTPS वगैरह भी तो फिर जो है आपको इशू आ सकता है इशू क्यों आएगा इशू इसलिए आएगा कि 14 को समझ नहीं आ रही कि वो मुझे कोई एक्सेस कर रहा है अपनी मैनेजमेंट के लिए या किसी वेब सर्वर को जो है वो एक्सेस कर रहा है ठीक है तो आपने एक्सटर्नल इंटरफेस पे ज़रा पेंग रखें और बाकी जो है आपने जो कॉन्फ़िगरेशन जो हमने की है वो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ IPv4 पॉलिसी में वैन लैन ऑल सोर्स टू हमारी जो हमने नेटिंग की हुई है TCP के लिए पोर्ट 80 के लिए ऑलवेज और यहाँ पे सर्विस आपने मेंशन करनी है हमेशा और इसके अलावा नेट भी आपने इनेबल कर देना है और कितने से एक्सेसेशन आए हैं आप देख सकते हैं कुछ इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से भी जो है वो मिल रही है तो अगर आप देखें इसी सिस्टम पे अगर हम देखें तो हमारा RDP भी जो है वो भी इनेबल है लेकिन RDP जो है वो नहीं चलेगा क्यों नहीं चलेगा बाहर से क्योंकि हमारी जो हमने पब्लिशिंग की हुई है वो सिर्फ और सिर्फ हमने अपनी पोर्ट 80 के लिए की है यानी हम ट्राई करते हैं देखिए मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं चलेगा अगर मैं पोर्ट चेंज कर देता हूँ बिहाइंड द सीन जाकर तो फिर देखिए ये काम करेगा तो लेट्स गो एंड ट्राई दिस वन इज वेल ताकि हमें कोई नॉलेज हासिल हो तो हम क्या करते हैं हम जाते हैं अपनी पॉलिसी में वर्चुअल आईपीज में आता हूँ पोर्ट को मैं चेंज कर देता हूँ 3389 एंड आई थिंक इट इज UDP नॉट TCP 3389 सो लेट्स गो सेव करता हूँ और बाकी जो पॉलिसी है वो वही रहे हाँ यहाँ पे हमने ये चेंज करनी है यहाँ पे हमने RDP लिखना है और ओके करते हैं लेट्स ट्राई नाउ अब जो है हमारा हमारी पोर्ट 80 जो है वो नहीं चलनी चाहिए अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो ये नहीं चलनी चाहिए अच्छा हमारा ये भी नहीं चल रहा देखें ये भी नहीं चल रही पोर्ट 80 क्योंकि हमने चेंज कर दी थी पॉलिसी सो लेट्स गो एंड चेंज दिस टू UDP इंस्टेड ऑफ TCP तो मैं फिर आता हूँ अपनी वर्चुअल आईपीस पर और यहाँ पर इसको मॉडिफाई करते हैं TCP में करता हूँ इस दफ़ा सेव करता हूँ बाकी पॉलिसी वैसी की वैसी रहे लेट्स ट्राई नाउ देखें आप आ गए इससे क्या ज़ाहिर हुआ इससे ये ज़ाहिर हुआ कि जो RDP की पोर्ट है वो 3389 है और वो TCP है ना कि UDP ओके अगर हमारा वेब सर्वर काम करें
तो वो एक्सेस स्टिल नहीं हो रहा। इसका मतलब ये क्या होगा कि मैं एक और पीसी पे जाकर मैं इसको यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल इस पर मैंने पोर्ट 80 को ओपन कर दिया, जबकि यहाँ पर जो है वो मैं 3389, ठीक है, और कोई और जो है फॉर एग्जाम्पल आपका एक्सचेंज सर्वर है उस पर पोर्ट 25, ठीक है, और 443। तो मतलब मुख्तलिफ़ तरीके से आप जो है वो ये काम सर अंजाम दे सकते हैं, और इससे क्या होगा कि आप एक ही आईपी को मल्टीपल जगह पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं।